नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। बता दें कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक 6 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड लगभग खत्म हो रहे हैं, 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब दिल्ली में वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर और रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी दवाओं की मांग बढ़ गई है। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं दिल्ली कोरोना ऐप के बारे में, जिसमें आप घर बैठे ही COVID-19 के लिए नॉर्मल बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां कहां उपलब्ध है जैसी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली कोरोना ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री ऐप है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप इस ऐप पर लॉगिन करेंगे, होम स्क्रीन पर ही आपको कोरोना मरीज के लिए बेड कहां कहां और किस हॉस्पिटल में उपलब्ध है सारी जानकारी मिल जाएगी। आप आसानी से इस ऐप के जरिए ये पता लगा सकेंगे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कहां ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी कहां मिल रहा है। इस तरह की सारी जानकारी आपको दिल्ली कोरोना ऐप पर मिल जाएगी। दिल्ली कोरोना ऐप के होम पेज पर आपको COVID-19 नॉर्मल बेड, COVID-19 आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे। इनमें से आपको जिस चीज़ की जरूरत है उस पर क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों में सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज हो रहा है। इनमें सरिता विहार का इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा शालीमार बाग का मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ओखला का होली फैमिली अस्पताल, न्यू राजेंद्र नगर के सर गंगाराम अस्पताल में भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पताल, पंजाबी बाग का महाराजा अग्रसेन, द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल, पश्चिम विहार के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी, माता चनन देवी अस्पताल जनकपुरी, इसके अलावा साकेत के पुष्पावती सिंघानिया अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं द्वारका के मणिपाल हॉस्पिटल और रोहिणी के सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, ये वही अस्पताल है जहां सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।